में कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। साथ ही गांव में नेटवर्क की समस्या भी आती है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए एक शिक्षक ने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नई पहल की है, जिसमें वो पहले अभियान के तहत बच्चों को 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ाते हैं और फिर गली मोहल्ले के बच्चों को एकजुट करके प्रोजेक्टर लगाकर पढ़ाते हैं, जिसमें करीब 50 बच्चे 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं। इन सब के बीच शिक्षक की बेटी भी बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक का पूरा साथ दे रही है। शिक्षक की इस पहल से छात्रों के परिजन और जिला शिक्षा अधिकारी काफी प्रभावित है। क्यों ना मैं अब घर में अपना समय व्यर्थ न गवाऊं और इनको कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और वो मेरी ड्यूटी है, मुझको यही करना है, तो मैं अपना काम क्यों ना करूं। ले पाते हैं या कहीं से ले लेते हैं, किसी से जाके या उनके पास खुद के पास होता है, पर ये जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के हैं, इनके पास बहुत मुश्किल से 1 या 2 बच्चों के पास फोन हो पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इनको यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से या व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएं। ग्राम विधा के भादापारा मोहल्ला में आदरणीय छत्री सर जी द्वारा जो ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई किया जा रहा है, कराया जा रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। सकारात्मक पहल उनके द्वारा किया जा रहा है और जिले का मीडिया प्रभारी उन्हें बनाया गया है, तो जिले में तीनों ब्लॉक में मीडिया प्रभारी हैं, उनसे फीडबैक लेना और जिले में हो रही गतिविधियों को जो ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हार द्वार छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ